बाबर आजम के साथ पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, नसीम शाह को भी पाकिस्तान ने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, बाबर आजम को भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, सरफराज अहमद को भी पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। मुझे तो अब ये डर है क्योंकि बाबर को इन्होंने रेस्ट करवा तो दिया है, उसके बाद अब ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में कुछ अभी जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है या वो जो मेंटोर जिनका ना सर ना पैर जो बर्बादी जो क्रिकेट बोर्ड के लोग बर्बादी उनको बिठा के ला के ये टीम अनाउंस की है, उसमें से कितने लोगों ने खार खाई होगी। सिलेक्शन कमेटी में कुछ सिलेक्टर हो सकता है ऐसे हो जो बाबर से खार खाते हो। एक बात हुई कि आकिब जावेद एंटी बाबर आजम, सबको पता है अजहर अली एंटी बाबर आजम, अलीम डार जिसका क्रिकेट से सिलेक्शन से रूल्स से रेगुलेशन से प्लेस क्या होते हैं कोई तल्लक नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी मिसाल, वो भी अंदर आया तो वहीं से समझ आ गया कि अब बाबर आजम का सफर जो है खत्म है। बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली फैब फोर और अब ड्रॉप। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है और इसके साथ साथ सरफराज अहमद को भी रिलीज कर दिया गया है और वो आज लाहौर पहुंच रहे हैं। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं भाई, आपकी छुट्टी, आप घर चले जाएं। बाहर आ गई है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो मतलब अभी तक आई होप सो उनसे बात कर ली गई होगी कि बाबर आप ड्रॉप हैं। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है, ऐसा बताना है। जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम को तो बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था, और अगर बाबर आजम में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती या कम अज कम इज्जत बचाने के लिए ही बाबर आजम खुद जो रेस्ट वहां पर ले सकते थे, जो कि बाबर आजम ने नहीं ली। सिलेक्शन कमीशन आउट ऑफ फॉर्म बाबर की जगह कामरान गुलाम को शामिल करना चाह रही है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत गुजश्ता रात बाबर आजम लंबे अरसे क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको आराम देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का ऐसा कहना था जबकि कप्तान इब्रार अहमद की जगह नोमान अली को शामिल करने का मुत्तफिक है। नई सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को वोट दी है, जिसके नाम का बड़ा वजन था, आज अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप कर दिया गया। देयर इज नो शाहीन, नो नसीम, नो इब्रार, नो बाबर आजम, सबके सबको बाहर बिठा दिया है सेलेक्टर्स ने। जो नई सिलेक्शन कमेटी सामने आई है उसके तरफ से जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो बाबर आजम, शाहीन, नसीम, इब्रार सबके सबको ड्रॉप करने के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है उसकी चीखी निकल गई है कि किस तरह सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठाया गया है। तो क्या कहना था पाकिस्तानी स्क्वाड और सीनियर प्लेयर को बाहर करने पर पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए पहले कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं। व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली फैब फोर और अब ड्रॉप। बहुत सैड मोमेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट में कि पाकिस्तान की इस जनरेशन का सबसे अच्छा बैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये डिसाइड कर लिया गया है एज पर क्रिक इन्फो, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, कि बाबर आजम ड्रॉप हो जाएंगे दूसरे टेस्ट मैच के लिए। कि आपको थोड़ी देर के लिए क्रिकेट से साइड पे जाना पड़ता है अगर, तो देखो ना आज टेस्ट मैच शुरू होने में 2 दिन रह गए हैं, आप अगर बाबर आजम को अभी 5-6 दिन के बाद डोमेस्टिक में डाल देंगे तो वो जो फिटनेस उन्होंने अपनी इंप्रूव करनी है, वो जो ब्रेक लेना है वो कहां पे आएगा। आई थिंक वो सेकेंडरी चीज होनी चाहिए, पहले आप बाबर आजम को बिठाएं। अगर तो देखो ये न्यूज बाहर आ गई है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो मतलब अभी तक आई होप सो उनसे बात कर ली गई होगी कि बाबर आप ड्रॉप हैं। अगर तो आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया ना, तो आप उनको घर भेज दें, ड्रेसिंग रूम में ना बिठाएं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का बेस्ट बैटर ड्रेसिंग रूम में बैठ के एम्बेरस हो, उसको आप घर भेजें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, उनके फादर उनके मेंटोर हैं, उनके साथ टाइम गुजारें, और जब आप कम बैक करो तो ऐसा कम बैक करो कि लोग मिसाल दें कि यार कम बैक हो तो बाबर आजम जैसा हो, वरना ना हो। मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। पता है कौन सी नी इंजरी, वो जिसके बारे में मैं 2-2.5 साल से बात कर रहा हूं ना कि शाहीन का पेस नीचे आया हुआ है, और मुझे कोई 20-25 लाख पाकिस्तानी गालियां भी निकाल चुके हैं पिछले 1.5 साल में, ये वही नी इंजरी की बात हो रही है।
जो बात मैं आपको डेढ़ दो ढाई साल से बताता आ रहा हूं, एक एक बात सच हो रही है। खुदा की कसम मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा इस बात का, सिर्फ मैं बैठ के फोकस से क्रिकेट देखता हूं। किसी की फिटनेस खराब हो नजर आ जाता है, कोई बड़ा तेज भागता हो जैसे शाहीन अफरीदी, एकदम उसकी चाल बदल जाए तो नजर आ जाता है। और जो मुझे नजर आ जाता है वो मैं आपको बताता हूं, और आप में से बड़े लोग डिनाइल में हैं। पाकिस्तान ने अगले दोनों टेस्ट मैचेस के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तीन बड़े नाम बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह, इन तीनों को स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज हो गए हैं, कामरान गुलाम पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आ गए हैं, मेहरान मुमताज पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हो गए हैं, जाहिद महमूद भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हो गए हैं। आज मैंने आपको कुछ देर पहले खबर दी थी कि बाबर आजम जो है उनको पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज करके वापस मुल्तान से लाहौर भेजा गया है, और अब ये और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से निकाल दिए गए हैं, नसीम शाह भी टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए हैं, बाबर आजम को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से छुट्टी करा के उनको भी वापस अपने घर भेज दिया गया है, और इन तीन बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। नई सिलेक्शन कमेटी जो जिसकी सरबराही आकिब जावेद कर रहे हैं, पहले ये इतला थी कि शाहीन शाह रेस्ट करेंगे लेकिन टीम के स्क्वाड के मौजूद होंगे, लेकिन अब शाहीन को भी रिलीज किया गया है, नसीम को भी रिलीज किया गया है, और मोहम्मद अली अब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होंगे। मोहम्मद अली के अलावा जो पाकिस्तान के जो दीगर यंग प्लेयर्स हैं उनको अब पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है, ताकि वो अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर अगले दो टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुनियादी तौर पर यह बड़े डिसीजन किए हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम को लेकर, कि पाकिस्तान टीम जो है वो मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रही थी, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है और अपने तीन सीनियर प्लेयर्स को, बाबर को, शाहीन को और नसीम को स्क्वाड से रिलीज करके पाकिस्तान की एक टेस्ट टीम की बिल्कुल नई शेप दे दी है। मोहम्मद अली वापस आ गए हैं और अब मीर हमजा भी खेलेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। तो अगला जो दूसरा टेस्ट मैच है, पाकिस्तान अब कम अज कम जो है वो 6 से 7 जो है तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, और इस पिच को पानी लगाकर ड्राई कर रहे हैं, पानी लगा के ड्राई कर रहे हैं ताकि स्पिन के लिए रहे, क्रैक फील हो, फिलहाल स्पिन को सपोर्ट करे, और एक्सपेक्टेडली उसी पिच के ऊपर मैच होगा, इसलिए पाकिस्तान 2 स्पिनर 250 किस्म का डाल रहा है, इसमें 4 डाल दिए, 2 फाइनल 11 में आएंगे। टीम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बाकी बात बाद में। शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल आलराउंडर, अब्दुल्ला शफीक वही है, विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज की जगह पर हसीबुल्ला डाली है। ये सही किया आपने कि आप हसीबुल्ला को आप फॉर्मेट दे रहे हैं कि आप वनडे और टेस्ट में आए, उस टाइम को T20 में देखे वो लंबे फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, आप उसको कंटिन्यू रखें। सरफराज पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया, उन्होंने बहुत किया है, बट आप एक जगह पे आए जहां पे आपको सोचना है कि सरफराज से आपने क्या काम लेना है, उनको मेंटोरशिप में आपने रखा है, ठीक किया, वो आपको बड़ा अच्छा सर्व कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहे हैं तो आप हसीबुल्ला के साथ जाएं, एक अच्छा मुझे लगता है कि एडिशन है। कामरान गुलाम को शामिल किया बाबर आजम की जगह पर, बहुत एक्सपेक्टेड था। मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई डोंट थिंक सो कि इनके साथ फाइनल लेवल में जाना चाहिए, तेज करते हैं बॉल, और दूसरा ये है कि वो T20 फॉर्मेट को सूट करते हैं, बट आपके पास स्पिनर ही नहीं है, किसी एक को ऐड करना है तो आप मेहरान मुमताज के साथ आ गए। मीर हमजा जो पहले भी थे बट खिलाया नहीं था, मोहम्मद अली जिनको ड्रॉप कर दिया था, अब उनको दोबारा टीम में ले आए हैं, तो ये है पाकिस्तान, एक मैच के बाद सारा कुछ चेंज हो गया। मोहम्मद हरेरा पहले भी थे, मोहम्मद रिजवान बैट्समैन भी हैं, नुमान अली ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, छोड़ते हैं, मुझे लगता है स्पिन ट्रैक होगा तो इनकी जगह ज्यादा बनती है, मगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था इसलिए इनको वापस कर दिया था। साइम यूब को रखा है, I don't know क्यों, और साजिद खान ऑफ स्पिनर हैं, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया था, अब दोबारा इनको सिलेक्ट कर लिया। सलमान आगा अगेन ऑलराउंडर शेप में है, जाहिद महमूद लेग स्पिनर हैं, पहले वापस कर दिया था इनको कि ये फिट नहीं है, तो ये पाकिस्तान का बनता है, जाहिद महमूद, नुमान अली, साजिद खान, मेहरान मुमताज, ये 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर इस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान ने डाल दिए हैं, और सीख लिया, कोई बात नहीं, सुबह का भूला 2-4 साल बाद वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, तो पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया, पाकिस्तान ने वापसी तो की है, चलो समझ लिया कि हमें अपने घर के अंदर 4 स्पिनर डालने हैं, कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही। तो ये है अब जो पिच बन रही है वही पिच है जो पहले टेस्ट मैच में यूज हुई, और इंडस्ट्रियल फैन लगा दिए पिच के दोनों एंड, यानी बॉलिंग बैटिंग एंड, दोनों एंड के ऊपर फैन लगाए हैं, और ठीक ठाक किस्म का पानी फेंका गया उस पिच के ऊपर ताकि उसका जो क्रैक्स है वो फिल अप हो। अगर चे एंडरसन जो कि इंग्लैंड टीम के कोचिंग स्टाफ के अंदर है, मेंटोर समझ लीजिए उनके, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मर्जी है, अमूमन ऐसा कम होता है कि एक टेस्ट मैच एक पिच के ऊपर 2 टेस्ट मैच है, वैसे तो ये कम होता है कि एक वेन्यू पर 2 टेस्ट मैच खेले जाएं, मगर पाकिस्तान में सब रेनोवेशन चल रही है तो इसलिए मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं, मगर एक पिच के ऊपर 2 तो बाबर आजम का तो मैं आपको काफी अरसे से बता रहा था, किसी वक्त भी इसकी घंटी बज जाएगी और ये बाहर हो जाएगा, और बड़ा जरूरी है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है फरवरी में, कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो बात की बात है, होनी है फरवरी में, फरवरी के महीने में, तो काई ट्रॉफी चलती है, चलती चली जाती है, अभी शुरू होगी काई ट्रॉफी तो जाती जाए, 2 महीने बाबर आजम अगर रेस्ट करे, इसकी बैटरियां फ्रेश हो जाए, आए काई ट्रॉफी खेले
और टीम में वापस जगह बना ले। शाहीन शाह अफरीदी को क्या लाहौर कलंदर की पर्ची, आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, जो सारे सारे लाहौर कलंदर की उस पे है, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब क्या इनको ड्रॉप करेंगे? क्या इनमें तड़ है कि बाबर आजम को तो ड्रॉप करें, शाहीन को करें? क्या इनमें तड़ है कि ये सैम, अब्दुल्ला शफीक जैसे और ये इब्रार जैसे और शाहीन जैसे रिंगते हुए जो है वो? आपको बताऊं कि आमिर जमाल इस वक्त शदीद खतरे में, आप कहेंगे है उसने 50 किया, एग्रेशन है उसका मामला जरा पॉलिटिकल हो गया, ये इनके कुछ लोगों ने वीडियोस भी उस पे बनाई है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इब्रार अहमद समेत जो 5 सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप किया गया है इंग्लैंड के खिलाफ, जो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच मुल्तान और रावलपिंडी में होना है। सीनियर प्लेयर्स को बाहर बिठाने पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो है वो चीख रहा है कि किस तरह सीनियर्स को बाहर बिठाया गया है। मगर जब हम देखते हैं पिछले कुछ अरसे से तो ना शाहीन पिट दिखाई दे रहे हैं, ना बाबर आजम की परफॉर्मेंस आ रही है, न इब्रार की परफॉर्मेंस आ रही है, नसीम शाह भी मुकम्मल तौर पर पिट नहीं, मगर उसे मुसलसल खिलाया जा रहा था और परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मगर जैसे ही उनको ड्रॉप किया गया है तो पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि आप किस तरह बाबर आजम को बाहर कर सकते हैं, बाबर आजम तो किंग है भाई, बाबर आजम तो किंग है मगर परफॉर्मेंस न होने के बराबर है, पिछले 18 इनिंग्स के अंदर कोई 50+ स्कोर नहीं, इसलिए 1-2 महीने तक बाबर आजम को रेस्ट करवा देना चाहिए ताकि वो अपने पाम बहाल करते हुए एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में कम बैक करे और जो परफॉर्मेंस वो करते हैं ओह जिसके लिए जाने जाते हैं ओह परफॉर्मेंस करे। तो पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर, चेंजेस को लेकर क्या कहना था पाकिस्तानी मीडिया का, आपने कंप्लीट वीडियो देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा।